टेक्नोलॉजी मार्वल वालों का फेज 5 एंटमैन क्वांटम मेनिया के साथ शुरू हो गया है, जिसको ये लोग मल्टीवर्स सागा कह रहे हैं। आप और हम बैठ के करेंगे चर्चा, टेंशन ना लो, पूरी वीडियो नॉन स्पॉइलर होने वाली है। तीनों ही फिल्म्स के डायरेक्टर पेटन रीड हैं, तो डायरेक्टर साहब की दोनों फिल्मों को अबव एवरेज यानी बस ठीक ठाक कहा जाता है। क्या इस बार ये तमगा हटेगा, इस पर एकदम गहरी बातचीत करेंगे। थैनोस मिया से बड़ी फिगर कहे जाने वाले कैंग क्या हुआ है, उस पे भी बात करेंगे। एक बढ़िया सूक्ष्म डिटेल पकड़ी है मैंने, वो भी सुनना आप लोग। फिल्म के साथ फेज 5 की थोड़ी और गहरी समझ बनेगी हम लोगों की, वो भी जानेंगे। तो बस आप आखिर तक बने रहना, वरना कैंग को भेज दूंगा आप लोगों के घर और कॉन्करर बन जाएगा फिर वो। एक कॉमर्शियल फिल्म को बड़ा सिंपल तरीके से जज करता हूँ मैं। क्या मैं एंटरटेन हुआ, मजा आया मुझे, क्या मैं फॉरगिविंग हूँ, मतलब लॉजिकों में तो नहीं फंसा मैं। एक ठीक ठाक फिल्म अपनी खूबियों की वजह से नहीं फंसने देती है इनमें, चाहे कितनी भी हवाबाजी क्यों ना हो। नंबर 3, क्या घर आने के बाद कोई सीन या कुछ मुझे याद रहा। तीनों चीजों में ये फिल्म के बॉक्स टिक होते हैं। एक तो इसका दूसरा वाला पोस्ट क्रेडिट सीन याद रहेगा, दूसरा इसका एक सीन जो अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म जैसा है, वो बात करूंगा आगे उस पे। मजे की बात ये है, ये दोनों ही सीन्स शायद फिल्म के लिए उतना जरूरी नहीं थे, जिसकी वजह से जो चैनल्स मार्वल को अच्छे से समझते हैं उनकी क्रिटिसिज्म सुनने में भी मजा आएगा। तो अपने स्कॉट भाई साहब एक किताब लिख के और एवेंजर्स के साथ दुनिया बचा के खुद को डूड समझ रहे हैं। उनकी बच्ची कैसी अब बड़ी हो चुकी है और बागी भी हो रही है, यही तो जवानी की खूबी है। उनका निठल्लापन किसी को पसंद नहीं है। केसी ने क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज के डाटा इकट्ठा करने का तरीका हैंक, जेनेट और होप के साथ निकाल लिया है। उसका खोजीपन भारी पड़ गया, बेटी ने सबको उस दुनिया में फंसा दिया। अब देखना ये होगा कि जेनेट का 30 साल वहाँ फंसे रहने का एक्सपीरियंस इन लोगों के कैसे काम आएगा। कैंग अपने गुर्गे के साथ कैसे और क्यों यहाँ पे आ गया, ये भी ये फिल्म बताएगी। क्या ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे, क्या कैंग भी इन लोगों के साथ बाहर आ जाएगा, यही इसकी मोटी मोटी कहानी है। डायरेक्टर साहब की पिछली दोनों एंटमैन फिल्मों में किरदारों के एक दूसरे से संबंध बॉन्ड बहुत मजबूत दिखते हैं। क्या इस बार भी ऐसा होगा, जानते हैं। चलो कैंग चाहे किसी ना किसी वजह से मारना चाहता हूँ इन सबको, लेकिन फिर भी उसकी जो भी बॉन्डिंग केमिस्ट्री है वो अच्छी लगती है, स्पेशली जेनेट से। केसी और स्कॉट की बॉन्डिंग तीनों ही पार्ट की हाईलाइट है। एक बार फिर उनके बीच का वो बाप बेटी वाला प्यार हल्का सा इमोशनल कर देगा। पॉल रड में वो एवरी गाय वाली खूबी है, जिसकी वजह से वो हम में से एक ही लगने लगते हैं, रिलेटेबल फैक्टर और बढ़ जाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग का तो तोड़ ही नहीं है, लेकिन इस बार आप उसको मिस कर सकते हो। तीनों ही फिल्म्स में ये सबसे सीरियस फिल्म है, जो कि कोई खराब बात नहीं है। आज भी बड़ी केसी जिस प्यार के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ अपने बाप को देखती है, ये एक बार फिर आपको मोह लेता है। लेकिन कैथरीन न्यूटन जिनको रिकास्ट किया गया है, उनके चेहरे पर और भाव उतने नहीं जमे हैं, क्योंकि थैनोस ब्लिप की वजह से उनको 5 साल बड़ा दिखाना था, जिसकी वजह से पिछले दोनों पार्ट्स में केसी प्ले करने वाली एबी राइडर फ्रॉस्टन को नहीं लिया गया है। इमोशंस के मामले में ये बच्ची कैथरीन से कहीं ज्यादा बढ़िया थी। पिछले दोनों पार्ट्स में मैं तो उसकी एक्टिंग का कायल हो गया था। स्कॉट की अपने तीनों बच्चों दोस्तों से भी बॉन्डिंग बढ़िया थी, लेकिन ये फिल्म और हम उनको भूल गए हैं इस बार। कितना मजा आता कि ये लोग उनसे क्वांटम रेल्म में बात करने का तरीका जुगाड़ लेते, और ये वाला बंदा हमेशा की तरह बिना रोके अपना मोनोलॉग बोलता। माइकल डगलस साहब यहाँ सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस बन के रह गए हैं, मतलब सिर्फ एक जगह दिक्कत से निकलवाने के अलावा उनका कोई और काम नहीं है। कोई बॉन्ड मजबूत होता हुआ नहीं दिखता उनका होप और जेनेट से, जैसे केसी के लिए स्कॉट है, वैसे ही कहीं ना कहीं होप के लिए उसके पापा हैंक थे। उनके विजन पे उसने अपनी लाइफ भी समर्पित की है। होप प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्या बढ़िया एक्टिंग करती है दोनों ही फिल्मों में। लेकिन बेचारी होप दोनों पार्ट्स की तरह ही इस बार भी किसी के साए में फंस गई हैं। काश उनको अपनी एक्टिंग दिखाने का और मौका मिल पाता, काश उनके संबंध इन लोगों से और मजबूत दिखते। पहला पार्ट जो स्कॉट पे फोकस करता है, दूसरा जहाँ होप पे लाइट डालता है, वहीं ये पार्ट जेनेट की कहानी सुनाता है। पिछले दोनों पार्ट में उनका किरदार एक हुआ था कि पता नहीं क्या राज छुपाए बैठी हैं वो क्वांटम रेल्म के। उनकी बैक स्टोरी बहुत बढ़िया है और इस मल्टीवर्स सागा के लिए बहुत जरूरी भी है। उनके किरदार की वजह से हम क्वांटम रेल्म को और अच्छे से समझ पाए हैं। आयरनमैन की फिल्मों में जो विलन्स पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं वो इनकी वजह से ही होते हैं। जैसे येलो जैकेट एक समय तक हैंक का उत्तराधिकारी था, लेकिन बाद में हैंक खुद ही उसको नकार देते हैं। गोस्ट का मेटल डिस्प्लेसमेंट भी जेनेट को बचाने के चक्कर में हुआ। इस बार भी किसी कारण से जेनेट का पंगा कैंग से है। उनकी स्टोरी तो काफी भारी है, लेकिन आप उनसे इमोशनली नहीं जुड़ पाते, मतलब उनके मरने मराने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अरे यार स्पॉइलर नहीं है ये, जिन्होंने ये फिल्म देख ली है आपकी क्या राय है होप और जेनेट के बारे में बताना कमेंट करके। वेल एमसीयू के कुछ फिल्मों के सीन्स कभी कभी अपने आप में एक अलग पिक्चर होते हैं, जैसे वो फार फ्रॉम होम में जब मिस्टीरियो अपने प्रोजेक्शंस में स्पाइडरमैन को फंसा लेता है, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वो शानदार मल्टीवर्सल जंप।
फिल्म में एक सीन है जहाँ से कैसे इस गैंग के मिरर वेरिएंट्स बने होंगे उनकी हल्की सी झलक मिलती है। ये सीन आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि सच में मल्टीवर्स में कितनी असीम संभावनाएं हैं। इससे मल्टीवर्स, निरी टाइमलाइंस, ऐसा होता तो क्या होता वाले व्हाट इफ सिनेरियो सबकी एक झलक मिल जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये बड़े बड़े चैनल्स जो सिर्फ ये MCU या DC की बात करते हैं कैसे डिकोड करेंगे इस सीन को। खैर, ये मेरा इस फिल्म का फेवरेट सीन था। मजे की बात यह है कि फिल्म के जरूरी सीन्स हमको याद नहीं रहते हैं, इसकी वजह से जो लोग इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे ना उनको सुनने में भी मजा आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार कैंग की बात कब करेगा, चलो कैंग पे आते हैं। कुछ ना तो थोड़ी देर तक कैंग का वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वाला हुआ था कि कोई भी नाम मत लो उनका, जो कि एक बढ़िया बात है। खैर, एंटमैन फिल्म के विलन्स पिछली दोनों फिल्मों की कमजोर कड़ी रहे हैं, उनको देख के लगता ही नहीं कि ये हीरो को हरा पाएंगे। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद आप उनसे सहानुभूति जरूर रखते हो। थोड़ी सहानुभूति तो कैंग साहब भी ले गए आपकी इस बार। जो कमी उन दोनों फिल्मों में रह गई उसकी तो यहाँ पूरी तरह भरपाई हो गई है। ऐसी थोड़ी मार्वल वालों ने जोनाथन मेजर्स यानी कैंग पे इन्वेस्ट किया है, ऐसी थोड़ी उनको थेनोस से भी बड़ी तोप माना जा रहा है। विलन्स के मामले में ये फिल्म इस तीनों पार्ट की बेस्ट फिल्म है। शुरू में तो आपको वो लोकी वाले स्वीट कैंग नजर आएंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ वो प्योर इवल यानी पूरी तरह शैतान में बदलेंगे। ये उनका जो प्योर इवल में ट्रांजिशन हुआ था ना, ये शानदार है। लगता है आपको कि हीरो नहीं हरा पाएगा इसको। विक्रम को अपरिचित में 3 किरदार निभाने थे, जेम्स मैकोवॉय ने स्प्लिट में 24 किरदार निभाए हैं। यहाँ आने वाले समय में जोनाथन मेजर्स को हर एक किरदार एक दूसरे से अलग दिखाना है और उनकी गिनती भी नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे, लेकिन लगता है कि वो अच्छे से निभा पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है बताना कमेंट करके। पिछली फिल्म्स की तरह ही इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस में फील नहीं होता कि बहुत कुछ दांव पर है, बस आखिर में एक नन्ही सी वार लगता है। लेकिन मैंने यहाँ एक सटल चलाकी वाली डिटेल फील की है, वो बताता हूँ आपको। एक्शन सीक्वेंसेस में आप कभी वाओ तो नहीं करते, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बुरे हैं। इसके सीन्स बड़े ही बेसिक फील होते हैं। लगता है कि घर से कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना के आए ये लोग। उस टाइम तो लगा कि ये इतने बेसिक क्यों हैं, लेकिन थोड़ा गौर से सोचने पे समझ आया कि यार अचानक नहीं तो ये लोग क्वांटम रियल में फंस गए हैं। कुछ भी प्री प्लान पहले से तैयार नहीं है। अगर यही सोच के डिजाइन किए गए हैं एक्शन सीक्वेंस तो सच में बहुत बढ़िया है ना। एक और चीज महसूस हुई इन तीनों फिल्मों में। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा हीरो किसी दुनिया में नया होता है, उसको कोई वहाँ के नियम तौर तरीके समझाता है जिसके सारे हम भी चीजें समझ जाते हैं। कभी कभी कुछ किरदार अपनी बैक स्टोरीज भी समझाते हैं, किसी को एक्सपोजिशन कहा जाता है। इन तीनों ही फिल्मों में बढ़िया एक्सपोजिशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में येलो जैकेट का अपनी कहानी सुनाना, हैंक का ये बताना कि कैसे जेनेट क्वांटम रियल्म में फंसी है, सेकंड पार्ट में भी गोस्ट का अपनी स्टोरी सुनाना, ये चीज स्क्रीन प्ले को एक जगह थाम देती है। इस बार भी सिंपल तरीके से जेनेट अपनी कहानी सुनाती है। डायरेक्टर्स आपको आने वाले समय में ये कहानियां सुनाने के लिए कुछ क्रिएटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे। शायद इसकी वजह से उनकी फिल्म थोड़ी और मजबूत लगेगी। जैसे अवतार में जेक सुली जब पंछी पर बैठ के उड़ता है, उसके सारे हम पेंडोरा को और देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ सेम ट्रिक यहाँ इस्तेमाल की गई है क्वांटम रियल्म को और एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि ठीक लगती है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं। कैंग की विलनी की वजह से और पॉल रट के चार्म और उनकी बेटी के गहरे रिश्तों की वजह से ये फिल्म में खाली फिलर नहीं लगती कि फेज 5 की शुरुआत में उसको समझाने के लिए केवल इस फिल्म को यूज किया गया है। इस फिल्म की खुद की अपनी स्टोरी भी है। चलो फेज 5 को थोड़ा और समझते हैं। बिना ज्यादा बकवास किए हमको क्वांटम रियल में फेंक दिया गया और पूरी फिल्म में वहीं रखा गया, ये एक बढ़िया चीज लगी। इस फिल्म ने हल्का और अंदाजा दिलाया कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपको ये भी फील होगा कि आगे की कहानियां ऐसी किसी अतरंगी दुनिया में सेट होंगी, या तो या अगर ये कहानियां धरती पे होंगी तो शायद कुछ व्हाट इफ सिनेरियोस दिखा दिए जाएं। आगे क्या हो पता नहीं, लेकिन लग रहा है मार्वल वालों पे कुछ मास्टर प्लान जरूर है। चर्चाएं थी कि शेंगची की चूड़ियां और मिस मार्वल का कंगन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लग रहा है शायद ऐसा ही हो। इस सीरीज की सबसे मनमौजी फिल्म यानी इसका फर्स्ट पार्ट द बेस्ट है। बाकी सेकंड पार्ट इन्फिनिटी वॉर के बोझ में दब गया और ये वाला मल्टीवर्स की बड़ी कहानी को समझाने के लिए उसमें निकल गया। डायरेक्टर साहब ने ये जिम्मेदारी तो अच्छे से निभाई है, लेकिन इसकी वजह से डायरेक्टर साहब की खुद की वॉइस हम मिस करते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से दिखती थी। इस बार ऐसा केवल आप फिल्म के फर्स्ट सीन और लास्ट सीन में फील करोगे, जब स्कॉट इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है यानी खुद से बात कर रहा है, तभी लगा कि ये डायरेक्टर पेटन रीड की फिल्म है, बाकी और कहीं नहीं। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।